साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल से संबंधित या कैरियर के लिए क्वेश्चन करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, इजी स्टडी फार्मेसी पे। साथियों, मैं उसका आंसर देता हूँ। साथियों, कभी कभी क्वेश्चन पे हम वीडियो भी बनाते हैं। साथियों, जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी करके और बैचलर इन फार्मेसी करके हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक सरकारी फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने हमारे क्वेश्चन किया कि सर जी प्रणाम, मैं उसको विद्यार्थी को प्रणाम करता हूँ। सर, मैं बी फार्मा करना चाहता हूँ, क्या मेरा डिसीजन राइट है? सर प्लीज़ सर टेल मी। साथियों, एक तो क्वेश्चन ये है, दूसरा है, सर मैं 12th PCM से यूपी बोर्ड से हूँ, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से विद्यार्थी ने 12th पास आउट किया है, और मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है सर, सर प्लीज़ सजेस्ट मी माय सेल नंबर। विद्यार्थी ने अपना सेल नंबर भी दिया है। साथियों, मैं ये कहूँगा कि विद्यार्थी ने अपने दिल की बात कही है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है साथियों, और मैं अपने को लकी मानता हूँ कि किसी की अगर मैं मदद कर पाता हूँ, किसी को मैं सही राय दे पाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, जो बहुत से विद्यार्थी ऐसे पूछते थे, क्योंकि ट्रेनिंग करने आते थे, तो एक विद्यार्थी ने सजेस्ट किया कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप माइंड ना करें तो मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा क्या, बताइए। विद्यार्थी ने कहा कि सर आप यूट्यूब पर चैनल बना लीजिए और उस पर देश दुनिया के इस तरह के बहुत से विद्यार्थी हैं जो आपसे दूर दराज से नहीं मिलने आ पाएंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन करेंगे अगर आप उनका आंसर देंगे तो। हमें बड़ी खुशी होती है साथियों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। साथियों, मेरा किसी तरह का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैंने चैनल बनाया और मैं फार्मासिस्ट जो भी होता है, विद्यार्थी होता है या फार्मासिस्ट जॉब में होता है, मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं अपने संवर्ग के हित के लिए काम करता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हैं, बोलते हैं मैं अलीगढ़ से हूँ सर, मुझे हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी है, तो मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फ़ोन करता हूँ, नंबर लेता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर एक बच्चे का कर दीजिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना चाह रहा है, गोरखपुर से करता है, कहीं से भी आता है, सभी जगह से, तो मैं उनकी मदद जब करता हूँ तो बहुत हेल्प होती है। साथियों, मैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन का जो है मैं मेंबर भी हूँ, और मैं कह सकते हो कि जो है एक तरह से सरकारी कर्मचारियों का नेता हूँ, जो अपनी बात रखने के लिए जो है निरंतर काम करते रहते हैं। मैं एडिटर भी हूँ जिला इकाई डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन लखनऊ का। साथियों, जो विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया, सर जी प्रणाम, मैं बी फार्मा करना चाहता हूँ, क्या मेरा डिसीजन राइट है? सर प्लीज़ टेल। विद्यार्थी से ये मैं कहूँगा, बहुत अच्छा आपका डिसीजन है, लेकिन साथियों आपने ये लिखा है कि मैं 12th पास आउट हूँ और मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। साथियों, मैं ये कहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी अगर इंग्लिश लिख लेता है और पढ़ लेता है तो उसकी इंग्लिश वीक नहीं होती है, मेहनत करेगा वो रिकवर करेगा। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि यूपी बोर्ड से और गांव ग्रामीण क्षेत्र से पास आउट होते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th सभी कुछ हिंदी मीडियम से किया होता है, सडन क्या होता है कि इंग्लिश बोर्ड में आ जाते हैं और वो टेक्निकल कोर्स करते हैं तो कुछ टाइम तक नहीं समझ में आता है, उसके बाद वो मेहनत करते हैं, डिक्शनरी देखते हैं, इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी आती है साथियों, उससे मदद लेते हैं और वो सीख जाते हैं। साथियों, जो जो विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया, ठीक हूबहू ऐसे ही समस्या मेरी थी। मैं जब 12th में पास आउट होकर निकला था, मेरी इंग्लिश ठीक थी पर इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जब मैं कर्नाटक पढ़ने गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए गया, वहाँ पर साथियों क्या हुआ कि विद्यार्थी सब इंग्लिश में बात करते थे, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ भाषा थी और हिंदी कोई बोलता ही नहीं था। टीचर भी आता था तो इंग्लिश में ही सब कुछ बताता था, तो बहुत बार तो समझ में नहीं आया, कई बार तो हमें बहुत सेड हो गए, रोने भी लगे। लेकिन होता क्या, मैंने मेहनत किया, उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 महीने के बाद साथियों मैं इंग्लिश में ही बात करता था और टीचर भी क्वेश्चन करता था, मैं उसको समझ जाता था, फट से आंसर देता था और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैंने प्राइवेट भी जॉब किया 14 ईयर जो है, रिटेल में भी काम किया है साथियों, मैं MBA ग्रेजुएट भी हूँ साथियों, आई एम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव MBA भी हूँ मैं। और मैं फाइनली क्या हुआ कि कुछ ऐसी समस्याएं हुई कि मैंने सरकारी जॉब भी ज्वाइन किया हुआ है।
मैं सरकारी फार्मासिस्ट हूँ। साथियों ये मेरा अपना व्यू है। तो साथियों मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर करने की डिज़ायर है, डिज़ायर मतलब समझती हूँ, समझते हैं, इच्छा होती है, अगर आपने ठान लिया है तो वो ज़रूर आप करेंगे, और आपकी डिज़ायर है तो आप बी फार्मा ज़रूर करेंगे। अगर आप कैपेबल हैं, आप घर से स्ट्रांग हैं, तो आप बी फार्मा करिए, अदरवाइज़ डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। साथियों बहुत आसानी से समझ जाएंगे। यही अगर बीटेक आप कर रहे होते तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती, क्योंकि बीटेक में जो इंग्लिश है उसमें क्या होता है कि अब ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में अगर आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा कि किडनी एंड लीवर, तो आसानी से आपको समझ में आएगा और आपका इंटरेस्ट भी जगेगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द ब्लड एंड व्हाट इज़ द डिफिनीसन ऑफ ब्लड। तो कहने का मतलब यह है कि उसी तरह से मतलब शरीर से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है पढ़ाई। बायोलॉजिकल सोर्स आपको रटना है, ये याद करना है कि जैसे अर्जुना है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या, टर्मिनल है अर्जुना, फैमिली क्या है, फैमिली के बारे में, इस तरह की चीज़ें जो है आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप फर्स्ट जो है डी फार्मा करें, बी फार्मा ना करें। बी फार्मा डिग्री कोर्स है, इनकेस आपका मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई या इस तरह से, तो रिस्क वाला काम ना करें, पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी करें और खूब मेहनत करें। आप उसके बाद बी फार्मा भी कर सकते हैं, लेटरल एंट्री लेके सेकेंड आप सेकेंड ईयर में बी फार्मा में भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों डी फार्मा करने से आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे कि आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है क्लिनिकल में मैप है, बैचलर इन फार्मेसी इंजीनियरिंग में मैप, उसमें आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं या प्रोडक्शन में जा सकते हैं। लेकिन डी फार्मा भी बहुत अच्छा है, उससे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। साथियों आप सरकारी जॉब के लिए रेलवे है, स्टेट की गवर्नमेंट की जो जॉब है, केंद्र है, ESI की हॉस्पिटल की जॉब है, साथियों आर्मी में है, एयरफोर्स में है, पुलिस में है, HL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, बहुत सी जगह पे जॉब निकलती है, आप उसमें भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी से मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश वीक है पर ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप मेहनत करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी और इम्प्रूव होने में टाइम नहीं लगेगा और आप अच्छा कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा फर्स्ट यू शुड टू डू डी फार्मा, देन आफ्टर यू लेटरल एंट्री ज्वाइन बी फार्मा। साथियों किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है साथियों तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उसका आंसर ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा साथियों, मैं ट्विटर पर भी मौजूद हूँ जितेंद्र कुमार के नाम से। साथियों मेरा फेसबुक पे भी ID है डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नाम से पेज है, साथ ही साथ EG स्टडी फार्मेसी के नाम से भी पेज है मेरा, आप वहाँ से भी आप सर्च करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी तरह की बहुत ज़्यादा क्वेरी है तो आप अगर अपना नंबर डालेंगे तो मैं उनको कॉल भी करूँगा। साथियों मैं इस विद्यार्थी को जो विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया, मैं इनको क्वेश्चन इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया, मैं इनको कॉल भी करूँगा, और मैं आप अगर मेरे द्वारा किसी तरह की आपको मदद मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।